कटनी के ग्राम बगेहा के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। उनका कहना है कि हमारे गांव में बिजली नहीं तो वोट नहीं। दरअसल गांव में लगे ट्रांसफार्मर कई माह से खराब हैं। यहां बिजली पानी की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों के कई बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी सुध नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से बगेहा गांव के ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया। मामले को लेकर विजय राघवगढ़ विधायक ने कहा कि जल्दी ही गांव को समस्या से छुटकारा दिलवाया जाएगा। इसे और ऊर्जा मंत्री जी से किए, लेकिन वहीं दूसरा पहलू ये भी है कि ट्रांसफार्मर ये जितने आ रहे हैं, मैंने एक चीज़ और देखी, जिले में सर्वाधिक ट्रांसफार्मर बदलने का काम भी मेरी विधानसभा में हो रहा है। नए ट्रांसफार्मर करीब 450 स्वीकृत हो रहे हैं, उसमें से 450 जरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत हो रहे हैं। तो आने वाले समय में इसकी समस्या का निराकरण होगा। बिजली की समस्या तो लगभग लगभग पूरे देश में है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश का ये गांव हमारा बगैया पहला गांव है जहां बिजली के संकट से पूरे गांव के लोग जूझ रहे हैं। आपने अभी देखा, लगभग 2 से 3 महीना पहले से एक ट्रांसफार्मर ख़राब है। कई बार आवेदन दिया, अब जितने सारे लोगों को आप देख रहे हैं, हज़ार लोग जाकर के आवेदन दिए, आंदोलन की बात किया, लेकिन आज तक बिजली विभाग के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। कारण ये है, 2 साल से हमारे यहाँ एक वहाँ चरनाटा मोहल्ला का एक ट्रांसफार, एक भटिया टोला का, 2 बार कटनी में कलेक्टर के यहाँ गया, अभियंता विद्युत में भी वहाँ भी गया, कोई सुनवाई नहीं। बिजली भी मोहल्ला वाले से भी, वो भी कॉन्टेक्ट किया कि भाई बिल जमा किए, तो कहें हाँ, पावती भी वार्ड साहब में अर्जुन तिवारी को भी भेजा, कोई सुनवाई नहीं।